नमस्कार दोस्तों तो ये है होंडा की सी बी थ्री हंड्रेड एफ़ इसका मैंने आपको एक वॉक अराउंड वीडियो दिखा दिया है तो इस वीडियो में मैं आपको इसके जो तीन कलर ऑप्शन हैं वो दिखाने वाला हूँ सिग्नेचर कलर ऑफ कोर्स होंडा है तो रेड ही है सो दिस इज़ द वन दिस इज़ द सिग्नेचर कलर और अगर आपको मैट कलर फिनिश पसंद नहीं है अगर आपको सिर्फ ग्लॉस कलर फिनिश पसंद है सो दिस इज़ द ओनली वन दैट्स अवेलेबल इन ग्लॉस तीन कलर ऑप्शन हैं रेड ब्लैक और ब्लू लेकिन ये जो रेड है वो आपको ग्लॉस फिनिश में मिलता है यहाँ जो कॉटर पैनल है वो आपको मैट ग्रे में मिलती है और जो रेयर पैनल है वो भी आपको मैट ग्रे में मिलती है मड गार्ड और जो हेडलैम्प के बाजू का बिकिनी फेयरिंग है दोज आर ऑल्सो डन अप इन ग्लॉस रेड जैसे मैंने कहा यह है सिग्नेचर कलर इस मोटरसाइकिल का ये है ब्लू कलर तो इसमें आपको एसेंशियली मैट ब्लू फिनिश मिलता है इट्स कॉट नाइस ग्लिंट टू इट लेकिन मैट फिनिश है ये और ग्रे कॉटर पैनल्स यहाँ पे आपको मिलते हैं मैट ब्लू मड गार्ड ब्लैक बेली पैन एंड मैचिंग ग्रे अगेन मैट ग्रे ही है ये भी दैट यू गेट ऑन द रेयर पैनल्स तो ये है ब्लू कलर दिस इज द ग्रे कलर ऑप्शन इसमें ज़्यादा ब्लैक है ऑनेस्टली बट बिकॉज ऑफ दीज कॉटर पैनल्स वो ग्रे कलर काफ़ी उठ के आता है बिकॉज जो डी कैल्स हैं रेड कलर में वो आपका अटेंशन यहाँ पे ग्रैब हो जाता है so this is the grey color. it's only when you see it with this black panel that you know it's grey. nahi to dur se ye it looks black only. dono alag alag shades hain this is a much darker shade. this is a lighter shade. ye bhi matte finish hai और जो quarter panel पे हमने देखा, वो ही color आपको यहाँ पे पीछे के panel पे मिलता है. again the belly panel uh, the belly panel remains black and the mud guard is the dark grey. तो दोस्तों तीनों कलर हमने देख लिए ब्लैक ब्लू और रेड तो मुझे बोलिएगा तीनों में से आपको कौन सा कलर सबसे ज़्यादा पसंद आया इस गाड़ी का रिव्यू हमने पब्लिश किया है ओवर ड्राइव चैनल पर तो डेफिनेटली टेक अ लुक यूट्यूब डॉट कॉम स्लैश मैग एंड लेट मी नो वॉट यू वॉन्ट नो अबाउट दिस मोटरसाइकिल